हाँ दोस्तों, कैसे हैं? वापस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इंडस्ट्री एक कार्बन बेस्ड कंपनी है, जहाँ कार्बन पे काम करती है, सीपीसी पे काम करती है, और एल्युमिनियम के लिए सीपीसी रॉ मटेरियल होता है। इसको पहले भी आपको बताया है, अभी भी इसमें देखें रिटर्न इक्विटी 24% है, 17% है, डेट 7,352 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है, प्राइस टू बुक 0.95, ऑपरेटिंग मार्जिन 13%, सेल्स ग्रोथ थोड़ा निगेटिव दिखा रहा है, और लास्ट क्वार्टर पर आकर के आपको प्रॉफिट पे ये प्राइस टू कैश फ्लो 5.04 है, ये एक अच्छा है। और जो देखेंगे 12 तारीख की क्लोजिंग 130.05 पे हुआ है, 20% 18.39 एक टाइम में, तो इसमें सर्किट लग गया था, और आज तक ये हाईएस्ट, बहुत दिनों के बाद ये हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया है, 1,07,66,405, जहाँ पे इसमें 10,14,06,05,07,08,00,000 हो रहा था, वहाँ पर 12 अप्रैल को देखेंगे 1,17,66,000, उसमें से 27,73,000 की डिलीवरी हुई है, 23% की डिलीवरी, जो पहले के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आज हाईएस्ट डिलीवरी पे लिया है। डिलीवरी कंटिन्यू होने हो सकती है आपको कि आगे भी ये कंटिन्यू रहे। प्रमोटर सराउंडिंग 41% है, FII ने थोड़ा सा मार्च 19 में घटाया और म्यूचुअल फंड ने बढ़ाया है, यहाँ पे कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा गया है। और रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखें 1 डे 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ सारा रिटर्न है, एक्सेप्ट YTD और 1 ईयर 6 मंथ। अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो इसमें कोई भी रिकमेंडेशन अभी तक नहीं है, तो शेयर होल्डर परसेंट से यहाँ पे अपन संतुष्टि ले लेते हैं। अब इसको अगर हम चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो रेन इंडस्ट्री कहीं ना कहीं, कहीं आप देखेंगे ये जो इस पैटर्न पे हो गया था, ये जो इसका डेली पैटर्न है, ऐसे लेकर करवाया था और अब यहाँ से इसने ऊपर लिया है। एक चीज़ याद रखिए, इसको 90 पे बहुत बड़ा सपोर्ट है, यहाँ से इसको तोड़ा नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए 90 का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर 90 तोड़ता है या 59 की ओर जाएगा, बट ऐसा होगा नहीं। बट आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, बाय करना चाहिए। और इसका जो नेक्स्ट लेवल मेरे को समझ में आ रहा है वो 144 आ रहा है, 144 के बाद 200 की ओर जाते हुए दिख सकता है। तो आपका जो इसमें नेक्स्ट सपोर्ट है 144 के आसपास है, और यहाँ जाते इसको लगता है कि ये आपको चला जाएगा और कोई रोकेगा नहीं, और इजिली यहाँ पर जाने का दम रखता है, क्योंकि जो डब्ल्यू वी पैटर्न बना था इसे क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस किया है तो ये यहाँ तक के लेवल को टच करेगा और हो सकता है कि इसके लेवल को भी क्रॉस करे, तो कहीं ना कहीं 150, 49, 45 की ओर जाते हुए आपको ये दिख रहा है। और अगर इसको रिट्रेसमेंट की बात करें, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ पे है, तो अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें इसको अपने फॉल का, तो आप देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो ये कहीं ना कहीं 237 जो ये की ओर 236 की ओर जाते हुए दिख रहा है, और एक सॉरी 181 की ओर जाते हुए दिख रहा है जो यहाँ पे है। और अगर 181 क्रॉस करता है तो फिर 237 की ओर जाएगा, पहले 181, उसके पहले यहाँ पे इसको हो सकता है कि ये 141 145 का आपको टेस्ट करते हुए बताया आपको। और अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज जो इसका दे रहा है 146 दे रहा है, जो कि 200 EMA का है 146, और उसके बाद ये क्रॉस करता है तो 161, और उसके बाद ये आपको 172 जो कि आपका यहाँ पे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताया, तो वो वहाँ पे आपको 237, ये आपका 38% और 283 मतलब 50% तक रिट्रेस हो जाएगा। तो हो सकता है कि इसमें अच्छी खासी आपको एक न्यूज़ भी आए। क्वार्टरली परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब रहेगा, प्रेशर रहेगा, इसकी जो फोर्थ क्वार्टर की रिजल्ट आएगी बहुत अच्छी नहीं आएगी, हो सकता है थोड़ा आपको गिरावट देखने को मिले, लेकिन इस गिरावट में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि अब जो इसका निगेटिव था सब खत्म हो गया, अब जो भी आपको रिफ्लेक्ट कमिंग डेज में आएगा वो पॉजिटिवनेस आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। तो इसमें जो भी सेंटीमेंट था, फॉल था, मेरे अंदाज से लास्ट होगा अभी, इसलिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर एक बार इसको चाहे तो 90 पे सपोर्ट लेकर के रहे, 90 तोड़ता है तो फिर नीचे की ओर जा सकता है थोड़ा, लेकिन अगर कोई होल्डिंग स्ट्रेटजी है 1.5 से 2 साल के लिए, तो आप आराम से 237 के टारगेट के लिए आराम से 237 जाएगा, पहला 181 आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, और 2 से 2.5 साल के पहले आपको 283 237, आपको 283 मान 290 तक जाते हुए आपको दिखेगा ये, तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, ये एक अच्छा पॉजिटिवनेस है। अगर वीकली बेसिस पे भी देखें इसको, तो आपको वीकली बेसिस 145 161 और 172 की ओर जाते हुए दिखता है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी ये ट्रेंड बनाता है, पॉजिटिव ट्रेंड बनाता है, तो 3 बार जरूर ये पॉजिटिव बनाता है, 3 से 2 बार, तो अभी ये पहला बार बनाया है कंटिन्यू, अगर यहाँ से इस तरह से देखें तो 3 बार होगा, तो 3 बार हो चुका है। तो अगर कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले 152 के पहले,
तो आप ऐसे डरिएगा नहीं, इसको प्रॉफिट बुकिंग हो जाने दीजिए, कर लेने दीजिए, लेकिन आपको इसको लोअर लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग ही कर, आपको बाइंग करना है, तो आराम से ही आपको कहीं ना कहीं 152 आप कभी भी दिखाई देता हुआ, और जिस समय ये 152 क्रॉस करेगा तो आप आराम से समझ के चलिए कि ये 181 पहला रिट्रेसमेंट और 237 की ओर बढ़ रहा है। रेन इंडस्ट्री में मैं फर्स्ट वीडियो ले लीजिए, आप मेरा लास्ट वीडियो ले लीजिए, हर समय मैं बोला हूँ इसको लोअर लेवल पे बाई करना है। प्राइस टू कैश फ्लो अगर इसके मैं देखने जाऊँ तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है, 5.04 बहुत अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखने जाऊँ तो 0.95 है। इंटरेस्ट कवरेज पूरा आराम से किया हुआ है, सिर्फ एक एक कंसर्न है इसका 1.76 जो सेल्स ग्रोथ है, इसके अलावा कोई कंसर्न नहीं है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, डिविडेंड भी पे कर रही है, 362 का है, 88 का लो है, तो 130 का आपको चल रहा है, बुक वैल्यू 137 करोड़ है, कहीं ना कहीं एक अच्छी कंपनी, 3,32 करोड़ का डेप्ट है, अच्छी कंपनी, इसको आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में ये होना भी चाहिए। तो रेन इंडस्ट्री नेक्स्ट टारगेट 145, 160, 172। अब इस टारगेट के लिए 145, 160, 172 के लिए आप तैयार हो जाइए, और कहीं अगर ये क्रॉस करता है इसको तो 181 क्रॉस करता है तो 237 की ओर जाते हुए आपको रेन इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। इसका सिर्फ एक कारण दिख रहा है मुझे, ये जो वॉल्यूम यहाँ पे दिखा है ये वॉल्यूम शायद रुकने वाला नहीं है, कोई ना कोई हो सकता है न्यूज हो, कोई भी न्यूज हो सकता है, बायबैक का हो सकता है या कोई अच्छा खासा कोई इन्वेस्टमेंट का हो सकता है या कोई भी एक ऐसी न्यूज आ, सुप्रीम कोर्ट की कोई न्यूज आ सकती है, तो कहीं कोई न्यूज आ जाएगा या कोई ऑर्डर आ जाएगा या बायबैक आ जाएगा, ये शेयर आपको 200 की ओर जाते हुए दिखेगा। रेन इंडस्ट्री में अगर नीचे जाता है 90 का स्टॉप लॉस तो आपको लगाना ही लगाना है, अगर नीचे जाता है तो आपको इसको बाय करना है, ये कोई कंपनी बंद नहीं होगी, ये अच्छा इसका बिजनेस स्टाइल है, बिजनेस ग्रुप बहुत अच्छा है, बिजनेस जो इसका मॉडल है वो अच्छा है, तो रेन इंडस्ट्री पे एक अच्छी पॉजिटिव बाइंग सेंटीमेंट आप रख सकते हैं। यहाँ पे 81% आप देखेंगे बाइंग सेंटीमेंट है, आप डिलीवरी यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 26-29-31% है, 7% पे रेशियो हो गया इंडस्ट्री का, 37 है, समझिए यहाँ से भी कम से कम 5 times यहाँ से रेट ऊपर जा सकता है, तो जो इसका हाई था ये यहाँ से 5 times 500-600 रुपये तक जा सकता है, तो ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और वेटेड एवरेज, वॉल्यूम वेटेड एवरेज भी देखें, यही बोलता है कि 123 की 130 की क्लोजिंग दी, ये भी बोलता है इसको बाइंग करना एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है। तो रेन इंडस्ट्री में आपको हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना चाहिए, अपना 10-10% एक्यूमुलेट कीजिए, 10 times एक्यूमुलेट कीजिए, ये 200 की ओर जाता हुआ दिखिएगा, नीचे जाता है तो आपको बाई करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए, मेरा कोई बाइंग और सेलिंग डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत